बड़ी हुआ मैं अंदर आऊं? अरे पूछने की क्या जरूरत है, आ जा। क्या हुआ? बड़ी बहू मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। पहले किस तो दूं? अरे मुझे आपको थैंक यू बोलना है। किस लिए? और वो भी इतनी प्यारी सी किस्सी देकर? आपने पार्टी रखी ना इसलिए बड़ी मॉम। अरे तो इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, हम तुम्हारी बड़ी मॉम है रोहन, हम तुम्हारे लिए पार्टी क्या कुछ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू बड़ी मॉम। अच्छा बताओ पार्टी में तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए जो तुम्हें पसंद हो और जो पारो को भी बहुत पसंद हो? पारो को भी? हाँ पारो को भी। बड़ी मॉम उसे लास्ट टाइम मैथ्स कोर्स बहुत अच्छे लगे थे। डन। थैंक यू बड़ी मॉम। रोहन पारो तुम्हें अच्छी लगती है ना, बिल्कुल अपनी बहन जैसे। हाँ बड़ी मॉम पारो बहनी तो है मेरी, बहुत प्यारी है, एकदम डैड जैसी, वो एकदम सेम टू सेम है। बाय। हमारा खून है तो एक जैसे तो होंगे ही, ये हमारे खून की ताकत है। जो पारो बिल्कुल ऋषि जैसी है, वैसे लक्ष्मी ने अच्छी ही परवरिश दी है उसे, और अब हम देंगे बहुत अच्छी परवरिश। अपनी पारो की परवरिश हम खुद करेंगे। हमारा खून अब हमारे जैसा दिखेगा और हमारे जैसा बनेगा। वैसे चाची फिर क्या डिसाइड किया आपने, आप आ रहे हो या नहीं? हाँ आऊंगी, क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं मरी जा रही हूँ वहाँ पर जाने के लिए, तुम लोगों को कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो सकती है। अब ओबराय महल जा रहे तो नया सूट तो पहनना पड़ता है ना। आई कमिंग, यू स्टॉप। हाँ वैसे दी मैं इतनी समझदार हूँ, लेकिन इस चाची को मैं कभी समझ ही नहीं पाई। दी कभी कभी लगता है कि ये बहुत अच्छी है और कभी लगता है कि इनसे बुरा तो कोई है ही नहीं। नीलम आंटी के साथ भी तो ऐसी हो, वो भी तो समझ में नहीं आ रही हैं शालू, वो अचानक से हमारे साथ इतनी अच्छी हो गई हैं, बल्कि सबको पता है कि वो हमारे साथ कैसी थी। और अभी जो चाची सोच रही है ना, मैं भी वही सोच रही हूँ, और मैंने तुझे बोला भी तो था। दी सच बताओ तो, तू जैसा सोच रही है ना ऐसा मैं भी सोच रही हूँ, कितने एक जैसे विचार है ना हमारे। शालू तुझे पता ऋषि ने जब कहा कि वो ही पारो का पिता है, तो मुझे डर लग गया था कि कहीं उसे सच पता तो नहीं चल गया। मुझे पता है उसे नहीं पता है, लेकिन उसने जिस विश्वास के साथ कहा ना शालू, ऐसा लगा कि, लेकिन फिर समझ आया कि वो शायद पारो को समझाने के लिए ही कह रहा था। पर दीप ये जो बात है ये बहुत बड़ी है, तू कब तक छुपाएगी? हमेशा, पूरी जिंदगी। शालू वो लोग अभी अच्छे बन रहे हैं, वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही अच्छे बनते हैं, वो लोग ऐसे लोग हैं नहीं। वो भले ही हमें अभी मान सम्मान दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो, हमारे साथ प्यार से बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन वो सच में ऐसे नहीं है। हम ये नहीं भूल सकते कि वो हमेशा से कैसे थे, हमारे साथ कैसे थे, हमारे साथ कैसा बर्ताव करते थे। माना कि उन्होंने मुझे जेल से बचाया, लेकिन अचानक से बदलाव क्यों आया है इसकी वजह भी नहीं पता है हमें। और ऋषि पर तो मैंने जितनी बार भरोसा किया है ना, उतनी बार उसने मेरा भरोसा तोड़ा। भले ही वो अभी अच्छा, लेकिन उसके ही फोन में ट्रैकर मिला था ना। ऋषि पर भरोसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है शालू, पर सिर्फ ऋषि ने उन सब लोगों का ऐसे पल पल में बदलना, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता कभी भी।